देश की आज़ादी को दिशा देने वाला आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चलाया। उन्होंने अपने जीवन में 17 बार उपवास किए, जिसे हम आमरण अनशन भी कहते हैं, जिसमें वे 159 दिन तक भूखे रहे। सर्वाधिक 21 दिन के उपवास उन्होंने 4 बार किए, साथ ही 14 दिन का उपवास 1 बार किया। उनकी इन उपवासों के कारण ही उनके विरोधियों में हृदय परिवर्तन हुआ, प्रेम का भाव जगा। वैसे भी उनके उपवास आत्मशुद्धि के लिए होते थे। 21 दिन के किए गए उपवास को हम देखें तो पहला उपवास 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान प्रायश्चित के लिए किया था। ऐसे ही 21 दिन का दूसरा उपवास 1932 में दलित जातियों को सिखों, मुसलमानों, बौद्धों, भारतीय ईसाइयों, एग्लो इंडियन समुदाय की तरह एक अलग समुदाय का दर्जा देने और पृथक निर्वाचन दिए जाने के विरोध में किया था। 21 दिन का तीसरा उपवास 1933 में अपने साथियों के अंदर अस्पृश्यों के प्रति जो भाव थे उन्हें दूर करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया था। और चौथा 21 दिन का उपवास 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां जेल में किया था। ऐसे ही 14 दिन का उपवास 1914 में दक्षिण अफ्रीका में किया। फिनिक्स आश्रम में एक आश्रमवासी द्वारा वचन भंग करने के कारण उन्हें ये उपवास करना पड़ा। उनके उपवास के कारण अलग अलग रहे, लेकिन इन उपवासों ने उन्हें तो आत्मबल दिया ही, साथ ही देशवासियों ने भी समय समय पर उपवास किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहला उपवास 1913 में दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में एक शिष्या की किसी कार्रवाई को अनैतिक मानते हुए किया था, जो 7 दिन का था। 1938 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में 3 दिन का उपवास किया। तीसरे दिन मांगे मान ली गई थी। इसी तरह से चौथा उपवास जो उन्होंने किया वह 1919 में जलियांवाला बाग में जो हिंसा हुई थी उससे दुखी होकर के किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर स्वागत बहिष्कार के विवाद के कारण 4 दिन का उपवास किया। 1924 में साबरमती आश्रम के कुछ छात्रों के चारित्रिक पतन की सूचना पर 7 दिन का उपवास किया था। चोरी चोरा का जो कांड हुआ, अहिंसा छोड़कर के लोग हिंसा में चले गए, उससे शुद्ध होकर के उन्होंने 5 दिन का उपवास किया था। 1932 में यरोदा के सेंट्रल जेल में अप्पा साहब पटवर्धन द्वारा एक सफाई कर्मचारी को काम आवंटित किए जाने की मांग न मानने जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जो 4 दिन चली थी। इसी तरह से 1934 में यरोदा जेल में शौचालय की सफाई के काम की मांग को लेकर जेलर द्वारा इनकार करने पर 7 दिन का आमरण अनशन किया था। 1934 में ही सफाई यात्रा के दौरान एक सनातनी द्वारा एक सफाई कर्मचारी को मारने पर प्रायश्चित स्वरूप 7 दिन का उपवास किया था। 1934 में राजकोट सत्याग्रह के दौरान 4 दिन का उपवास किया। इसी तरह से 1947 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान कलकत्ता में 3 दिन का उपवास किया। उनका अंतिम उपवास 1947 में
दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के दौरान किया गया, जिसके पश्चात 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। इस उपवास को लेकर के अनेक तरह की असत्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनका भी जवाब दिया गया, जबकि यह उपवास धर्मनिरपेक्षता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किया गया था।